अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये घर किराए के लिए खाली है? नहीं, यहाँ पे तो शूटिंग चल रही है। शूटिंग? जी। अच्छा, यहाँ के मालिक कौन है और कहाँ पे रहते हैं? यहाँ के मालिक तो 10 साल से दुबई में रहते हैं, उन्होंने ये घर शूटिंग के लिए दिया हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अर्सा पहले की फैमिली रह रही थी ना? जी जी, वो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दिया था 2 महीने के लिए घर, वो अभी कुछ ही दिन हुआ है रहे हैं उनके यहाँ। और कुछ अर्सा पहले यहाँ पर डाका पड़ा। डाका? यहाँ का सिक्योरिटी निजाम तो काफी अच्छा है। अच्छा, मुझे आप उस प्रॉपर्टी डीलर का नंबर लाके दे सकते हैं? मैं अभी लेके आता हूँ। छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पूरे खानदान को इकट्ठा करके तलाक दूंगा मैं इसे। एक नंबर की चालबाज है वो। अरे वो उसका पूरा खानदान, धोखेबाज, गद्दार, मक्कार। शुक्र मनाओ कि वक्त पे जान छूट गई तुम्हारी उजाला से, वरना मेरी तरह सर पीट के रो रहे होते तुम। उजाला ऐसी नहीं है। अरे सब ऐसे हैं यार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। हर बात पे यकीन करता रहा, अंधा बन गया था ना मैं, मोहब्बत में अंधे हो गए थे सरकार, इश्क कर बैठे थे उनसे। वो जो कह रही है मान रहे हैं, जो कह रही है उस पर ईमान ला रहे हैं, सोचा ही नहीं कि वो मैडम तो धोखा दे रही है मुझे। सामने हो इस वक्त, उसकी गर्दन दबोच के पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया उसने। चल यार, चल। अभी कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। हम घर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और सबके बीच में खड़ा करके उस धोखेबाज औरत को तलाक दूंगा मैं। मेरे पूरे खानदान की आंखों में धूल झोंक दी उसने यार, समझती कि अंदर करवा दूंगा सब। हक मेहर कितना रखा? 2 करोड़। अरे कौन रखता है यार? मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। नो। आई स्वेयर मैं।